तो मेरा तो भाई मन ही कर गया। ललित कह रहा था कि जाके प्रोटीन शेक पीना, मैंने कहा चाय के आगे सब चीज़ फेल है। तो मैं और ललित आए हैं सुंदर सुंदर बीवी मांगने भोलेनाथ से, ठीक है। तो ललित मेरे को तो ये तिलक जब लग जाता है ना, तो मुझे लगता है कि ये भी एक आभूषण है ना, लोग बड़ी बड़ी चेन पहनते हैं। तो भाई मंदिर जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज है सावन का पहला सोमवार और मैं और ललित आए हैं सुंदर सुंदर बीवी मांगने भोलेनाथ से, ठीक है। तो ललित बता भाई क्या मांगना है, अपन ने तो बता दी। क्या बता दी? सुथरी सी बीवी चाहिए जो समझती हो सब कुछ, सामान में जो भी आता है स्पेशली के लिए आता है, उसी के लिए आता है ना। लड़कियाँ सुथरे मर्द के लिए आती है। जय श्री शंभू, जय श्री शंभू। तो भाई मंदिर जा रहे हैं ना, पर है सुबह सुबह अपने जाके मंदिर जाके मत्था टेक लिया और देख कितना अच्छा लगता है। मेरे को तो ये तिलक जब लग जाता है ना, तो मुझे लगता है कि ये भी एक आभूषण है ना, लोग बड़ी बड़ी चेन पहनते हैं, कुछ कुछ गले वले में डाल जो भी है, बट अपने को तो इससे ज़्यादा सुंदर कुछ लगता ही नहीं है। और फिर मंदिर के बाहर आते ही चाय का था प्रावधान, ये देखा। तो मेरा तो भाई मन ही कर गया। ललित कह रहा था कि जाके प्रोटीन शेक पीना, मैंने कहा चाय के आगे सब चीज़ फेल है। तो भैया से बोला मैंने चाय बनवाइए, चाय पी। तो भाई तैयार है अपनी चाय मिट्टी, थोड़ी देर पी के बिल्कुल मंदिर के सामने बैठे हैं और फिर जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं पीजीआई वाली अपनी जर्नी। भाई ये भी आ गई थी, कहती कि मुझे भी कुछ दे दो, तो मैंने कहा ले यार, अब तो अपनी अपनी किस्मत का मिल जाएगा। भाई लैब पहुँच गया हूँ और ये देखो पसीना ही पसीना हो गया, बट अभी तो इस पसीने से ना प्यार हो गया। पहले बदबू आती थी पर अब मज़ा आता है। ये कुछ लोग थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं मेरे ब्लॉग में, पर फिर भी कुछ बोलता नहीं है, पर सुबह सुबह दिखाऊंगा जरूर डेली। हेलो बोल। हेलो, ऐसे बुलवाना पड़ता है भाई। ये है हमारी कृतिका, ट्विनिंग देखो यार आज तो सेम सेम। सर कैसे हो? हैप्पी सावन। बढ़िया, हैप्पी सावन। और ये थोड़ी सी इंजर्ड हो रखी है। ये अपने नवीन है। तो नवीन मंदिर गया था सुबह सुबह? यस। अच्छा, सावन सर को लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब बोला नहीं जा रहा, सब्सक्राइब करो, सॉरी। चलो ठीक है, क्या मांगा तूने आज भगवान जी से? स्पेशल है वो, स्पेशल। चलो भगवान करे तेरी मनोकामना पूरी हो। बारिश हुई आज, शुभ होगा हमारे। हाँ, शुभ होगा। तो भाई एक सबसे अच्छी चीज़ ये बताता हूँ कि इतने दिन से ना चंडीगढ़ में बारिश नहीं आ रही, लेकिन आज सावन का जो पहला सोमवार है तो भगवान का चमत्कार देखिए, सुबह सुबह बारिश आई है ना। तो कुछ चीज़ें हमारे जो बड़े बूढ़े बोलते हैं तो वो चीज़ें होती हैं, और अब भी मेरे को यकीन हो गया उन सब चीज़ों में और जस्ट फीलिंग पॉजिटिव। तो बस आज का दिन हमारा ऐसे ही बहुत अच्छा बीतेगा, बिकॉज सुबह सुबह अगर इतनी पॉजिटिविटी हो जाती है तो फिर कोई बाकी दिक्कत आती नहीं दिन में। तो भाई दिन में इतने ज़्यादा बिजी थे कि बाकी चीज़ नहीं कर पाए, और शाम को फिर रनिंग पे आ गया था, इस चक्कर में अभी रूम पे पहुँच के करते हैं खाने वाने की तैयारी करते हैं। ब्रदर है जो, उनका तो फास्ट है, तो अभी कुछ लाइट ही बनाएंगे खाएंगे। तो आज का ये जो पहला सावन का सोमवार था, तो ये वाला ब्लॉग बड़ा स्पेशल था मेरे लिए, और सुबह सुबह जाके मैं मंदिर ले गया सारी चीज़ें की, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी, दिल को छूने वाली थी। और बस मैं तो, अगर कोई भी देख रहा है मेरी ना, मेरे दोस्त है ना, तो हमारी एज ऐसी होती है तो ट्रांजिशन वाली होती है कि हम लोग इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते, बट जो स्पिरिचुअलिटी है ना उसमें बड़ी पावर है यार, अलग से पॉजिटिविटी आती है। तो बस यही मेरा मैसेज है कि वी शुड स्टार्ट डूइंग दिस, एंड जब माथे पे तिलक लग जाता है ना, तो मैंने दिन मतलब बताया ही था कि अलग ही एक फील आता है ना, एक उसका साइंटिफिक मीनिंग ये होता है कि आपको स्टेबिलिटी मिलती है ना। ऐसा आपने देखा होगा जो अपने ट्रेन्स के जो इंजन होते हैं ना, उन पे भी सिंदूर लगता है, स्पेशल सिंदूर मंगाते हैं वो लगता है, तो दैट इज़
समथिंग साइंटिफिक बिकॉज ऑफ कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वो ऑब्जर्व करता है और आप बिल्कुल शांत होते हो, तो इस तरह का उसका साइंटिफिक रीजन पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो दैट इज़ व्हाई बिल्कुल अगर आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, आपको अपने रिलीजन को फ्लोन करना चाहिए और हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।